और ये भी देखने को मिला है कि हो सकता है कि मिर्च पाउडर भी उछाला गया पुलिस की आंखों में, तो कहीं ना कहीं ये जो खबरें कहीं उड़ती हुई भी आ रही है और सिचुएशन क्या अनकंट्रोल रहा है। महागठबंधन से बीजेपी डरी हुई है, जिस तरह की बैठकें भी बिहार में देखने को मिली है उससे भी बैठ डरी हुई है, इसलिए वो बार बार वो तेजस्वी यादव जी को फंसाने का और उलझुल जुल की बातें। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। हमारे साथ जो है आरजेडी की विधायक है संगीता कुमारी। मैम, बीजेपी ने कई सारे आरोप लगाए हैं कि जो लाठी है वो सर पर मारी जा रही थी, महिलाओं को बहुत ही बदतर तरीके से मारा गया। अब वो जो मीडिया में खबरें आई हैं और ये भी देखने को मिला है कि हो सकता है कि मिर्च पाउडर भी उछाला गया पुलिस की आंखों में, तो कहीं ना कहीं ये जो खबरें कहीं उड़ती हुई भी आ रही है और सिचुएशन क्या अनकंट्रोल रहा। अगर प्रदर्शन करना था तो हाउस में अगर माननीय विधायक किए होते विपक्ष में तो ज़्यादा बेटर रहता और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी, इस तरह से पुलिस ने किया होगा एक्शन लिया। महिलाओं की कई सारी ऐसी तस्वीर निकल कर आई है मैडम जहां पर बहुत ही बदतर तरीके से मारा गया, इसका जवाब क्या देंगे आप? महिलाओं पर अगर तस्वीरें आई हैं तो सिचुएशन कंट्रोल होगा। जिन मांगों को लेकर मुझे लगता है कि बीजेपी जा रही है, ये वैसे मांग है जो बहुत पहले से रहे हैं। जब बीजेपी सत्ता में थी तो उस समय इन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया। उन्होंने उस समय क्यों नहीं कहा कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए था? उस समय उन्होंने कहा कि नियमित शिक्षकों की बहाली बीपीएससी से नहीं होगी, उस समय क्यों नहीं कहा? ये जब विपक्ष में आए हैं तो इन्हें ये अवसर का फायदा उठा रहे हैं। इन्होंने कभी भी शिक्षकों के ये हितैषी नहीं हो सकते, कभी भी किसी सलाहकार के हितैषी नहीं हो सकते। महागठबंधन की सरकार ने हमेशा शिक्षकों का साथ दिया है और आज भी हम शिक्षकों के साथ ही हैं शिक्षकों, लेकिन हम जिस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं उस क्वालिटी हम चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे सरकारी स्कूलों में हो। इसके लिए हमने ये प्रावधान किया कि जब एक शिक्षक हमारे बीपीएससी से क्वालिफाई होकर जाएंगे तो उनकी क्वालिटी पर कोई शक नहीं करेगा। ये निश्चित तौर पर एक बेहतर बिहार बनाने के लिए एक मजबूत पहल है, लेकिन शिक्षकों की अनदेखी करके नहीं, शिक्षकों की बात को भी सरकार देख रही है और शिक्षकों की समस्याओं को भी देख रही है और निश्चित तौर पे सरकार शिक्षकों के हक में ही है। बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन बदला ले रही है, ट्वीट करके कई सारे विधायकों ने कई सारे नेता ने महागठबंधन की कहा है कि ये बदला है। महागठबंधन के हम लोग बदला नहीं ले रही है और जहाँ तक हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की मैं बात करूँ तो पूरा बिहार और पूरी देश जानती है कि कभी भी हिंसा का उन्होंने ना उनकी बॉडी लैंग्वेज में ना उनके व्यवहार के रूप में कभी किसी ने देखा है। तो हम लोग बदला नहीं लेने के ये सरासर गलत आरोप है। बीजेपी कहती है कि इस्तीफा दे देना चाहिए चार्ज सीटेड उप मुख्यमंत्री को। चार्ज सीटेड इनसे पहले भी चार्ज सीट हुआ था उनको, ठीक है, और जो जिस निराधार आरोप लगा है तो वो न्यायालय का मैटर है, न्यायालय में होंगे, न्यायालय में बात होगी। लेकिन निराधार आरोप इन्हें पता है कि यहाँ इनको डर है तो माननीय महागठबंधन से बीजेपी डरी हुई है, जिस तरह की बैठकें भी बिहार में देखने को मिली है उससे भी बैठ डरी हुई है, इसलिए वो बार बार वो तेजस्वी यादव जी को फंसाने का और उलझुल जुल की बातें करती है। देखिए, हमारे साथ आरजेडी की विधायक संगीता कुमारी थी जिन्होंने साफ कहा कि जो बीजेपी है वो खराब बेकार आरोप लगा रही है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि महागठबंधन बदला ले रही थी। जो जहानाबाद के महामंत्री की मृत्यु हुई है, इसका पूरा ये मृत्यु नहीं बल्कि हत्या और ये महागठबंधन ने कराया है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है आरजेडी और जेडीयू के यानी कि महागठबंधन के ये जो दोनों पार्टी है, इन लोगों का साफ कहना है कि ये जो बीजेपी है इन्होंने सबसे पहले, बीजेपी के जो नेता थे वो सबसे पहले जो है मिर्ची पाउडर फेंकने लगे, उसके बाद लाठी चार्ज शीट हुई है। तमाम खबरों के लिए देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद।